और इस तरह से इस ट्राई बर्कर का पहला नतीजा आता हुआ और इस तरह से पहला गोल हो चुका है दुमका की तरफ से और पहली शॉट दुमका से कोई गोल हो चुका ओकर कुड़ी आनवा फाइनल मैच रे नीतो देवघर से कोई पहली खिलाड़ी शॉट लगे है जुआ और देने बनार से कोई की मोड़े गोटे कते खिलाड़ी शॉट या मौका को जाबा पहले राउंड में दोनों तरफ से पांच पांच खिलाड़ी शॉट लेने का मौका दिया जाएगा और पहला शॉट लेने के लिए इस बार अखंड ज्योति अरुषी फुटबॉल क्लब देवघर के खिलाड़ी शॉट के लिए आती हुई देखना है नेहा शॉट के लिए तैयार और नेहा ने शानदार गोल डाल दी है देवघर एक दुमका एक अभी एक एक शॉट हो चुका है और आप पूरी तरह से आप अपने स्थान पर बने हुए रहे NYC फुटबॉल चैंपियनशिप का ग्रैंड फाइनल कुछ ही देर में बॉयज का होना है और कौन से टीम में इस साल के चैंपियन बनेंगे एक तरफ बरहेट साहबगंज से आई हुई टीम एसके रपाज बरहेट साहबगंज और दूसरे तरफ FC जवाहर स्टार की टीम मैदान के अंदर आ गई है और 3 लाख और 3.5 लाख के बीच का खिताबी फिरत होगा फाइनल में लड़कों का और इस तरह से ये मिस शॉट किया है और इस तरह से दुमका का सेकंड शॉट मिस हो गया है और देवघर की टीम क्या यहां से लीड ले पाएगी या नहीं अभी देवघर की तरफ से सेकंड शॉट के लिए शॉट लगाया लेकिन देवघर का भी शॉट मिस हो गया और दोनों अभी भी बराबर दुमका दो खिलाड़ी में से एक गोल और देवघर दो में से एक गोल हो चुका है बॉल मौकूफ है कृपया करके बॉल देने की कोशिश करें और अब दुमका की तरफ से तीसरे खिलाड़ी थर्ड शॉट के लिए आते हुए और बहुत ही शानदार दुमका की तरफ से यहां पर तीसरा शॉट गोल में कन्वर्ट हो गया और दुमका 3 में से 2 गोल हो चुका है और देवघर की तरफ से अब थर्ड प्लेयर शॉट के लिए आएंगे जर्सी नंबर 7 अखंड ज्योति अरुषी फुटबॉल क्लब देवघर के कैप्टन और इस तरह से शॉट तो लगाया मगर गोलकीपर मंजुला ने अच्छा सेव किया है और इस तरह से दुमका की टीम इस मुकाबले पर थोड़ा सा लीड पर है 1-0 से यहां पर और इस तरह से दुमका की टीम 2-1 से इस मैच में लीड कर रहे हैं 3-3 प्लेयर में से आप चौथा शॉट दुमका की तरफ से निश्चित रूप से दुमका जिला के सभी वासी इस समय दुमका टीम को पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे होंगे कि यहाँ पर इस साल का चैंपियन दुमका की टीम बने लेकिन क्या कमाल दिखाएगी ये जर्सी नंबर 8 संगीता हस्ता शॉट के लिए आई है और शानदार यहाँ पर फिनिश दुमका की टीम ने 4 में से 3 गोल कर चुकी है और देवघर की टीम 3 में 1 गोल किया है और अभी भी दुमका की टीम के पक्ष में ये पलड़ा थोड़ा सा भारी है और 2 नंबर जैसे पहने हुए देवघर की तरफ से देखना है सोनिया रॉय किस तरह से शॉट लगाएगी सोनिया रॉय चौथे स्थान पर शॉट के लिए आई है और आखिरकार सोनिया ने गोल दाग दी है
और इस तरह से देवघर चार खिलाड़ी में से दो खिलाड़ी गोंदागा है, दो का मिस हुआ है और ये दुमका की टीम के लिए चैंपियन बनने का एक सुनहरा चांस है। अगर यहाँ पर गोल कर देती है दुमका जिला के टीम के खिलाड़ी तो यहाँ पर इस वर्ष के चैंपियन बन जाएंगे दुमका की टीम। गर्ल्स फुटबॉल मैच का ये फाइनल का ये रिजल्ट कुछ ही देर में हमारे सामने होगा। ये अगर गोले कर खाए तो दुमका जिला का टीम चैंपियन को बना हुआ गोल पहिल प्राइज और इसी के साथ दुमका की टीम ने बाजी मार ली है इस मैदान पर और इस तरह से एनवाईसी अलुबेड़ा के मैदान पे गर्ल्स टीम के चैंपियन बन गई है दुमका की टीम और देवघर की टीम इस टूर्नामेंट में सेकंड पायदान पर रनर अप टीम साबित हो गए हैं। मैं दोनों टीम के